सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि जानते हैं 14 फरवरी को भारत में गम का माहौल हो गया था, पूरे देशवासी के चेहरे से मुस्कान छीन गई थी, लेकिन फिर एक बार भारतीय वायुसेना ने वो मुस्कान वापस लिया दी है। आज युवाओं के चेहरे पर मुस्कान है, जो गम 14 फरवरी को इंडिया को मिला था वो तो कभी भूल नहीं सकता, लेकिन आज भारतवासियों के चेहरे पर थोड़ा वायुसेना ने मुस्कान लिया दी, क्योंकि पाकिस्तानियों के 300 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया, वही पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। इससे जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनके घर वालों का क्या कहना, वो लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 300 आतंकवादी ढेर गए, उनके बाद उनके घर वालों की क्या रिएक्शन है, क्या कर रहे हैं। आइए हम देवरिया के शहीद विजय मौर्या के पत्नी और उनके पिता, उनके भाई से बात करके देखते हैं उनका क्या व्यक्तिगत राय और आतंकवादी को खत्म करने वाले बड़े हमले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ हाँ, हम कहता हूँ कि जो अभी किए हैं वो तो अच्छा है मोदी जी ने, लेकिन एक बच्चे के ऊपर कम से कम 1 लाख आदमी मारा जाए तब बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए संतोष हो जाएगा। 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 300, 600, 500 से क्या होता है, 1000 से क्या होता है, 40 तो बच्चे अपने मारे गए, तो 40 लाख कम से कम मरे तब ठीक होगा। और यहाँ तो हमारे यहाँ का हम लोग खाता है हिंदुस्तान का और नाम लेता है पाकिस्तान का, ऐसे लोग तो उस गांव को ही पूरा कर देना चाहिए। आपका जो कहना है जो देश के अंदर गद्दार है उनको भी मिटाना चाहिए, निकाला जाए। हाँ, उसको नामे खत्म कर दिया जाए, एक गांव में 10 हो तो एक ही गंदा करेगा तो 10 कूड़ा, और नहीं तो वो लोग उसको निकाले वहां से। ने पाकिस्तान पे जोरदार हमला करके 300 आतंकवादी को मार दिया गया, उससे थोड़ी सी जो आपको संतुष्टि मिली है, जो घाव लगा है तो पूरे हिंदुस्तान के हर एक दिल पे लगा हुआ है, ले वो घाव कभी नहीं भर सकते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया जिस तरह से 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे, उसको थोड़ी सी आपको ठंडी मिली है, आपको सुकून मिला है? इसमें राहत मिला है, सुकून मिला है, बट ये तो क्या है, आतंकवाद आज से नहीं 500 साल पहले से शुरू हुआ, जब जम्मू का कश्मीर को स्पेशल उनको हक दिया गया उसी वक्त से शुरू हो गया, तो उसके कुछ वर्षों के बाद ही, तो इसका फाइनल कुछ निर्णय होना चाहिए। और अभी जो वहाँ पे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको वहाँ से मार गिराना चाहिए, वहाँ से हटा सफाया कर देना चाहिए। आपकी राय है कि आगे से पाकिस्तान को इस तरह से जवाब दिया जाए कि फिर भी दोबारा आतंकवादी बढ़ाने की सोच ना सके? जी, आतंकवादी मारे गए इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए भाइयों लोग को धन्यवाद। आपको अपनी तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये तो होना ही चाहिए, जितने आतंकवादी उन्हें तो साफ होना ही चाहिए। और आपकी कोई इच्छा नहीं?